बोलिए सतगुरुदेव की जय। ये मृत्यु लोक है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कई प्रश्न उठते हैं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मौत के समय एक ताकत आती है, इंसान को उठा कर ले जाती है। अब यहां प्रश्न हुआ, मृत्यु के समय कौन कहां जाता है? पाप करने वालों को की क्या गति होती है और पुण्य आत्माओं की क्या गति होती है? बड़ी सम्यक चीज है। मृत्यु के समय जब शरीर से प्राण निकलते हैं, जहां जहां से प्राण निकलते हैं वहां स्पंदन ताप कम हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिन नाड़ियों से प्राण निकलता है वो शिथिल पड़ जाती है। आपने अपने सामने भी लोगों को प्राणत्याग करते हुए देखा होगा। प्राण पहले शरीर से निकलकर शून्य की तरफ चलते हैं। उस समय एक चेतना ही सिर्फ उसके साथ होती है। कभी कभी आपने देखा होगा मृत्यु के समय या निद्रावस्था में आपको पितृलोकों का आभास होता है। मैंने एक बात कई बार बोली है, प्रेत आत्माओं से सबका सामना हुआ होगा पर लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। प्रेत आत्माएं इंसान के कॉन्शियस में प्रवेश करती है, तब उसका अपना कॉन्शियस उस समय दब जाता है। अक्सर जिनका कॉन्शियस, जिनका बुद्धि तीव्र है, जिनका अंतःकरण स्ट्रांग है, उनमें नहीं कर पाते हैं प्रवेश, उसको नहीं पलट पाते। इसलिए थोड़ा मंद और साधारण बुद्धि वाले लोगों को यह ज्यादा परेशान करती है चीजें। उस समय क्या होता है, ये अंधकार में और नींद में, अंधकार में आदमी की बौद्धिक क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब आदमी को अंधेरी कोठरी में रखते हैं तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। अंधकार अपने आप में विषम है, अज्ञान का द्योतक है। तो उस समय एक अंधकार सा छा जाता है। तो निद्रावस्था में क्या होता है, आदमी की बौद्धिक क्षमता अभी से 16 गुना कम आ जाती है। इसलिए उस नींद की अवस्था में वो हमला करते हैं। मेरा मानना है हर इंसान पर वो हमला करते हैं। मेरा ये मानना है हर इंसान को प्रेत आत्माओं से भेंट हो चुकी होती है पर वो उसको समझ नहीं पाता है। निद्रावस्था में अभी की तुलना में चेतना कम होती है और अधिकतर ये स्त्रियों को और साधारण बुद्धि के लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं। वो क्यों, इतनी प्रेत आत्माएं हैं, अगर एक जीवित व्यक्ति के पीछे 50-50 खड़ी कर दो तो भी बच जाएंगे। क्योंकि कलयुग में लोग पाप बहुत कर रहे हैं, तो आपको यूं लगा होगा आप पर दबाव पड़ रहा है नींद में। ये दबाव कैसे पड़ता है, मोनोऑक्साइड गैस की तरह, पहले साधारण साधारण, अचानक नहीं पड़ता है, वो साधारण साधारण आपको दबाता जाएगा। आपको तब यूं लगेगा कुछ मुझ पर वजन पड़ रहा है, वो वजन नहीं है, वो प्रेत आत्माओं का शरीर में प्रवेश करने का ढंग है। धीरे 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 वो बढ़ जाता है। अगर आप बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे, अगर आप उठना चाहेंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे, अगर मदद के लिए आप किसी को पुकारेंगे तो नहीं हो पाएगा। अवस्था ऐसे बनती है जैसे
पानी में इंसान श्वास के लिए तरसता है, उस अवस्था ऐसे बनती है। ठीक ऐसा ही मौत के समय होता है। भूत और यमदूत मौसेरे भाई है, दोनों का एक ही क्रम है। अगर उस समय आपके शरीर में प्रवेश कर गए तो एक जहमत हुई, फिर वो आपके शरीर में ठिकाना बना देंगे हमेशा। अगर आप जाग गए या किसी इष्ट की मदद से जाग गए, फिर वो चले जाते हैं। मेरा ये मानना है ये प्रक्रिया हर इंसान के साथ होती है। एक बार जिसके अंदर ये प्रवेश करते हैं, उनके दिमाग का अपना संतुलन, उनका कॉन्शियस बहुत बिगड़ जाता है। जैसे दौरे के समय आदमी का, जिनको भी फिट्स का दौरा आता है, उनका दिमाग संतुलित नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी पढ़ा हो। क्योंकि दौरे के समय जो शिवरिंग, हाई शिवरिंग होती है, वो मस्तिष्क की पूरी पूरी अवस्था को बिगाड़ देती है। इसलिए जिस आत्मा में ये प्रवेश करेंगे वो ऐसे ही हो जाएगा। इसी तरह मृत्यु में भी यमराज आत्मा को खींचते हैं। आइए देखें, मृत्यु तो पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों की होती है। बड़े बड़े तपस्वी भी शरीर को त्यागना पड़ा, पर अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं पापात्माएं जब शरीर छोड़ती है तब क्या स्थिति होती है। पहला महापापी, आप पाप तो करना ही नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पाप क्या है? किसी को कष्ट देना, अनायास कष्ट देना, अपने हितों के लिए कष्ट देना, किसी का धन ले लेना, किसी की स्त्री ले लेना, किसी को शारीरिक यंत्रणा देना, किसी को भयभीत करना, दुर्बल को सताना और नित्य ही किसी की हत्या करना, ये बहुत बड़े बड़े पाप है। और दूसरे मध्यम पाप होते हैं, और तीसरे अल्प पापी। वो पाप तो करते हैं पर उनको पता नहीं चलता है कि हम पाप कर रहे हैं। जो महापापी होता है वो हजारों साल तक एक मूर्छावस्था में रहता है, वो बहुत बड़ी पीड़ादायक है। मूर्छावस्था में इंसान जीवित रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। जब उसको थोड़ी चेतना आती है तो एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। आप देखिए जैसे वो शरीर कहाँ मिलता है, आप देखें जैसे आप निद्रावस्था में जाते हैं आपको एक शरीर मिल जाता है। चार अवस्थाएं प्रसिद्ध है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। जागृत अवस्था में हमें ये शरीर प्राप्त होता है और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है। इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। आप निसंदेह एक शरीर में जाकर प्रवेश करते हैं। यह आपके साथ रोज होता है, कितना बड़ा कौतुक है। आप उस शरीर में भी एक जगत देखते हैं, आपको वो सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। आप उसमें से फिर निकलकर इस बॉडी में आते हैं, कितना बड़ा कौतुक है। नए शरीर से निकलने का पता चला, नए शरीर में वापस आने का पता चला। निसंदेह निद्रावस्था में जो व्यक्ति है वो अर्धमृतक की तरह होता है, और ये क्रम आपके जीवन में कई बार हुआ पर पता नहीं चला। इसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में एक शरीर प्राप्त होता है, बड़ा कुंद है वो, उसको मूर्छावस्था भी कहते हैं। कुछ विद्वान उसको महानिद्रा भी कहते हैं। अलग अलग तरीकों से उन अवस्थाओं का वर्णन है। उसमें अभी की तुलना में 1000 गुना
कम ज्ञान होता है। वाह क्या बात है, बिल्कुल बहुत कम ज्ञान होता है। चौथी अवस्था है तुरिया या प्रज्ञा। उस अवस्था में अभी से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होता है, एक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए 6 शरीर हैं इस शरीर के अंदर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान और विज्ञान देही। तो सूक्ष्म शरीर निद्रावस्था में प्राप्त होता है। अब चौथी अवस्था प्रज्ञा है, उस चेतन अवस्था में आदमी दिव्य लोगों का भ्रमण करता है, इसलिए योगी लोग उससे प्रकाश आदि भी देखते हैं और सिद्धि शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उस प्रज्ञा को ही तुरियावस्था कहते हैं, जिसमें अभी से 1000 गुना ज्ञान ज्यादा होता है, इतनी चेतना बढ़ जाती है। ये अवस्थाओं के कारण हुआ। आप देखो नींद में आपकी चेतना बहुत अल्प हो जाती है, और जब आप सुसुप्ति में जाते हैं तो बिल्कुल कुंद अवस्था है। पर योगेश्वर लोग, तपस्वी लोग महाप्रज्ञा में भी जाते हैं। उस महाप्रज्ञा को सदोगड़ी भाषा में तुरियातीत अवस्था भी कहते हैं। उसमें इतनी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो जाती है, और छठा शरीर विज्ञान देही है। उस शरीर को प्राप्त करने के बाद अत्यंत सूक्ष्म शरीर से वो पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर लेता है, देवादि लोगों का अवलोकन करता है, और शून्य महाशून्य के अंदर प्रवेश करता है। सब संसार उसको स्वप्न लगने लगता है। पर इस महाप्रज्ञा अवस्था को शास्त्रानुकूल 6 ही योगेश्वर लोग प्राप्त किए हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं उन्हें योगेश्वर बोलते हैं। तो पर साहब यहां एक बात कह रहे हैं, निराली है, अद्भुत है, तुरियातीत ताहे के पारा विद्धि करे तदास तुम्हारा। इन अवस्थाओं में भी मन का मिश्रण रहता है, लेकिन जब यह हंस गति को प्राप्त करता है, उस समण लोक में जाता है, तो वो तो बात ही कुछ और है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। तो जो कितना कौतुक है इस बॉडी में, बहुत बड़ा कौतुक है। एक साधारण मोबाइल है, उसकी कीमत कम है, ऑप्शंस कम है, एप्लीकेशंस कम है, लेकिन आईफोन आदि जो लेटेस्ट हैं, ऊंचे हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्षमता है। इस प्रकार ये जीवात्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है, उन सभी शरीरों की अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग नेचर है। आप विचार करें ना, दूर मत जाएं। जब आप नींद में चले जाते हैं तो आपको एक और शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह मृत्यु के समय एक शरीर प्राप्त होता है, वो उस सूक्ष्म शरीर से धारण करता है, नाना प्रकार के फिर नरकों को भोगता है, नरकों का कष्ट मिलता है। कैसे मिलता है? आप कभी कभी नींद में भी देखते हैं, कुछ भयावह चीजें मिलती हैं, डरावनी चीजें मिलती हैं, उसका शरीर यहां छूट गया, लेकिन वहां यह आभास रहता है मैं शरीर हूं। यही आभास बार बार जन्म मरण का कारण है। आत्मज्ञानी का देहाध्यास छूट जाता है, जहां देहाध्यास छूट गया वहां भय खत्म हो जाता है। ये भय तो शरीर के धारण करने से है। इसलिए जब आदमी नींद में भी जाता है तो कहीं चोट लगती है या कोई
डरावनी चीज दिखाता है, भाला बंदूक दिखाता है, वो डरता है। क्यों डर रहा है? उसे आभास इस स्थूल अवस्था का होता है। इसलिए साहब ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है, नर्क और स्वर्ग तो अज्ञानियों के निमित्त हैं। तो उस शरीर को प्राप्त करके नाना प्रकार के दुखों को भोगता है अल्प कई कल्प कई बहुत समय तक। वो अवस्था बड़ी दुखद होती है। कभी कभी आप स्वप्न में ऐसे झंझावट में उलझ जाते होंगे जिसमें दुख ही दुख है, परेशानी है, उलझाव प्राप्त हो जाते हैं। वो आप भी होते हैं, पर उस अवस्था के कारण से वो सब यथार्थ प्रतीत होते हैं। तो वो उन अवस्थाओं को भोगता है वहां बहुत लंबा समय, फिर संसार में आकर कौन से शरीर को प्राप्त करता है? सुअर, गिद्ध, कुत्ता, गधा, भेड़िया, कौआ आदि अखर योनियों को प्राप्त होता है। ये उन शरीरों को धारण करता है। ये बहुत पीड़ादायक है। इंसान को सबसे बड़ी सजा कब मिलती है? जब मानव तन प्राप्त करके आत्मा की खोज नहीं करता, उसे सजा मिलती है। पुनर्जन्म सबसे बड़ी सजा है। शास्त्रानुकूल मौत के समय 16 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा होती है, और जन्म में कुंभी नर्क से अधिक पीड़ा होती है। इसलिए जन्म मरण का दुख अति भारी, जन्म लेना ही जहमत है। इसलिए जन्म मरण का दुख अति भारी, लोग आवागमन के चक्र से छूटने के लिए तब मोक्ष की प्राप्ति करते, शुभ कर्म योग तप आदि करके ये स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते फिर संसार सागर में आते। साहब ने आकर दुनिया को कोई ऐसी दिशा भ्रमांक नहीं दी है। अगर साहब को आप एक समाज सुधारक के रूप में देखें तो उनकी छाप जन जन पर हैं। क्या उनकी वाणी थी, क्या उनकी शैली थी? उन्होंने हमेशा समाज सुधार की बहुत बड़ी बात की। जीव न मारो बाप रा सबके एक है प्राण, और अपने से कमजोर को मत सताना, दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना सांस की फूकनी लोहा देत गलाए। हर एक अपराध पर उन्होंने अपने शब्द व्यक्त किए। एक शब्द में वो बोल रहे हैं, चार माह जिम बरसे मेहा, मेहा बरसात को कहते हैं, एतत शब्द कथा विधेया, चार महीने बरसात होने से जितने भी बूंदे गिरती हैं, बहुत गिरेगी, उनसे भी अधिक मैंने विदेह शब्द कहे हैं, वो सब सचेतक वाणी है उनकी। तो बंधुओं, उन शरीरों में बहुत बड़ा दुख भोगता है। उस दुख का आभास कैसे होता है आप प्रत्यक्ष जाने। अगर स्वप्न में कोई आदमी आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, आप भागते हैं, आपको भय वैसा ही प्रतीत होता है जैसा यहां होता है। यही खेल है, यही माया है। जो मध्यम पाप करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कम टाइम कुंद अवस्था में रहना पड़ता है। वो मूर्छावस्था दुखदायी है। उस मूर्छावस्था में उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ऐसा होता है, लेकिन वो क्रिया करने में सक्षम नहीं होता। पर वो थोड़ा समय उस अवस्था में रहते हैं, फिर चेतना होती है, वो भी नरकों को भोगते हैं। और उनको भी निकृष्ट योनियों में फिर जन्म मिलता है। तीसरे पापी वो हैं जो अल्प पापी है, मृत्यु होती है, अनंतर मूर्छा आती है, और कुछ देर बाद वो चेतन होते हैं, तो नरकों में पड़ता है। उसके बाद वो कर्मानुकूल नाना शरीरों को प्राप्त करता है।
सबसे अंत में तब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये सर्किल चलता है। जब पुण्यात्माएं शरीर को छोड़ती है वो सुने, पुण्यात्माएं भी तीन प्रकार की है, महापुण्य आत्माएं, मध्यम पुण्य आत्माएं और अल्प पुण्य आत्माएं। जब महापुण्य आत्माएं शरीर छोड़ती है तब देवदूत उसको लेने के लिए आते हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मरने वाला पता कहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। साहब ने इसका भी, मैंने इसका उल्लेख किया है, अंत समय जब जीव को आई यथा कर्म तब दे ही पाई, हेड द्वार से निकली प्राणा नरक खान में जाए निदाना, गुदा द्वार से प्राण निकल गए पहचान है मल बाहर आ जाएगा। भयभीत हुआ वो बहुत, यमदूत डरावना स्वरूप लेकर उसके सामने आए। आप देखते हैं बाजे लोग मौत के समय उनकी विष्ठा बाहर आ जाती, बहुत पीड़ादायक होते हैं। और जो मध्यम पापी है उनके प्राण नाभि द्वार से निकलते हैं, वो भी भयभीत अवस्था में होते हैं, उनका पेशाब बाहर गिर जाता है, उसके बाद उन्हें फिर नरक में ले जाया जाता है। आगे साहब कह रहे हैं, मुख द्वार से प्राण निकासा अन्न खान में पाए वासा। जब मुख से प्राण निकल जाते हैं तो वो अन्न खान कीट घुन आदि इसमें पहुंच जाते हैं, पहचान मुंह खुला होगा। कई लोगों को आप देखते हैं मृत्यु के समय अलग अलग भिन्न अवस्थाएं होती हैं उनकी शरीर की। नेत्र द्वार से जीव जब चाला, नेत्र द्वार से जीव जब जाई मक्खी आदि तन सो पाई। अगर नेत्र द्वार से प्राण निकल जाते हैं तो आंखें फटी रह जाएगी और मक्खी आदि का शरीर प्राप्त करते हैं, कीट पतंग में चले जाते हैं। शून्य द्वार से जीव जब जाए जाता प्रेत योनि में जाए समाता। जब कानों से प्राण निकल जाते हैं तो वो प्रेत योनि में जाता है, उसकी पहचान उसकी लाश ही भयभीत लगेगी, पूरा वहां वातावरण ही ऐसा लगेगा जैसे डरावना है। दशम द्वार से जीव निकासा स्वर्ग लोक में पाए वासा और राजा होकर जग में आई। तो ऐसी पुण्य आत्माओं को तब देवदूत लेने के लिए आते हैं और उसे आदर पूर्वक उसमें बिठाकर इष्ट देव के लोक में ले जाते हैं। वहां वो अपने कर्मानुकूल फल को प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि लोग, देव लोग, पितृ लोक, ब्रह्मा आदि लोग, इन लोकों में वो जाता है। जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर मनुष्य रूप में आकर संसार में जन्म लेता है। अभी यहां क्या कह रहे हैं, किसी फल में स्थित हो जाता है। जब उस फल को कोई खा लेता है उसके बीज में वह चला जाता है और माता के गर्भ में जाकर मनुष्य के में जन्म धारण करता है। उस समय उसकी जैसी भावना होती है वैसे गति को प्राप्त करता है। राजाओं, धनी लोग, भक्तों और संतों के यहां जन्म लेते हैं। जो मध्यम, ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है, साहब भी बोल रहे हैं, जब मध्यम पुण्यात्माएं संसार से जाती हैं उसकी भी महापुण्य आत्मा की तरह गति होती है, थोड़ा अंतर होता है। वह भी अपने फलों को भोगकर पुनर्जन्म लेता है।
अल्प परमात्मा को मरने के बाद इसका अनुभव होता है कि अब मैं मर गया हूं, मेरे बांधों ने क्रियाकर्म करके मुझे पिंडदान दिया है, वह अल्पकाल तक पितृलोक में रहकर वहां के सुखों का उपभोग करके धान्य में स्थित होकर उस धान्य को जो पुरुष ग्रहण करता है उसके बीज में स्थित हो जाता है। जब पापात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे बड़े दुर्गम पद से यमदूत ले जाते हैं, उसे नाना प्रकार की त्रास देते हैं, पापात्मा को नाना प्रकार की त्रास दी जाती है। इसलिए यहां साहब क्या कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। हमारे पूर्वज पहले इन सब चीजों को जानते थे, पर अब पाश्चात्य संस्कृति देश में आने के बाद हमारी संस्कृति बहुत दब गई है, ये दुखद है। लेकिन जब पुण्यात्मा शरीर छोड़ती है तो उसे बहुत तरीके से धर्मराज यमराज के पास पहुंचाया जाता है, और यमराज चित्रगुप्त से उसके पाप और पुण्यों का लेखा पूछता है। विश्वास करना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी लाइफ का सर्किल दिखाया जाता है, और पाप पुण्य ऐसे ही अलग होते जाएंगे। जैसे काउंटिंग मशीन आपने देखा ना, बहुत जल्दी पैसा काउंट करती है, नकली नोट को एकदम बाहर फेंकती है, वाह क्या बात है। इसी तरह वहां पर भी होता है, हर एक के अंदर हार्ड डिस्क फिट है जिसमें उसकी जीवन की सभी क्रियाएं कर्म रिकॉर्डेड है, वहां पर किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां साहब एक बात क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले गुरु नाम देने के बाद में अंतःकरण को परिवर्तित करता है, और किसी को बदलना सबसे बड़ी कला है। सिद्धियां तो बहुत है, अल्प सिद्धियों में इंसान किसी का दुख खत्म कर देता है, कल्प सिद्धियों के द्वारा किसी को भौतिक चीजें देता है, महासिद्धियों द्वारा वो ऋतुओं को भी थोड़ा बदल देता है, नेचर पर नियंत्रण करने लगता है। इसलिए जब मनुष्य ने शक्तियां प्राप्त की तो उसकी इन दिव्य शक्तियों से देवता लोग भी डरने लगे। प्रमाण सामने है, बाली आदि बलि तो, और बाली को भी राम जी ने पेड़ की ओट लेकर के तब मारना पड़ा था। तो जो मध्यम सिद्धियां हैं उसमें आदमी काफी करिश्मे कर सकता है, और परम सिद्धि क्या है, परम सिद्धि है संत की, वो हृदय परिवर्तित कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहां साहब इसी शब्द को कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को वह कर ले आप समान। गुप्त के बताने के बाद यमराज न्यायपूर्वक उनके सब कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। जब उन जीवों के पाप क्षीण हो जाते हैं फिर स्वर्ग और मृत्यु से च्युत होकर के क्रमानुसार किसी फल या धान्य में उनके त्रियक योनि में जन्म ग्रहण करता है। जब अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उस समय उसको अपने पूरे जन्म की शुद्ध आती है। अब बाहर आकर के मामला अलग हो जाता है, पर उसे शुद्ध रहती है, अर्थात मनुष्य के अंतःकरण में 100 से ज्यादा जन्मों की बात याद रहती है। तभी तो साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। अब गुरु क्या करता है, परम सिद्धि है संत की वो बदलता है, नाम के द्वारा इस अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। इसलिए ये शास्त्र विदित बात है,
गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता है। इसलिए प्राचीन काल में निगुरे के हाथ से आदमी कुछ नहीं खाता था, कहता था जब तक गुरु धारण नहीं किया है तब तक आदमी अशुद्ध है। ऐसी प्रथा, ऐसी संस्कृति हमारी थी। और बाहर गर्भ से बाहर आने के बाद बालक महान अपवित्र अवस्था में क्रीड़ा करता है, उस समय अपनी पूर्व स्मृतियों को भुला देता है। लेटिन किया उसमें लिबड़ा रहेगा और बाहरी वातावरण से पूर्व वाली अवस्थाएं भुला देता है, लेकिन अंतःकरण में रहती हैं। कैसे रहती हैं? आपने किसी कॉल को डिलीट कर दिया, आप मत सोचना कि अब इसका अस्तित्व खत्म है। जो इसका अपना मूल केंद्र है वो काल वहां पर कायम है। इसी प्रकार अनेकों जन्म तक मनुष्य के कर्म उसके अंदर उस रिकॉर्ड में रहते हैं। पर गुरु क्या करता है, अंतःकरण की शुद्धि कैसे कर देता है? उस अध्यात्म शक्ति और उस नाम की ताकत से हृदय को स्वच्छ करता है, खालिस कर देता है। नाम जो रति एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, कबीरा पड़ी पुरानी घास। बार बार साहब यहां पर एक तर्क रख रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप एकांत में बैठ करके सोचना, विचार करना कि नाम से पहले आपका अंतःकरण कैसा था, आप कैसे थे और आप कैसे हैं, दोनों को आमने सामने खड़ा करना। तब आपको पता चल जाएगा कि नाम कितनी बड़ी दौलत है। सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो, सतगुरु महदीनी अजब जड़ी। तो इस प्रकार से गुरु, ये सबसे परम सिद्धि है। ऋतुओं को बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है, बरसात आ रही है उसको रोकना महासिद्ध कर लेते हैं। किसी को संतान नहीं, संतान भी दे देते हैं, पर वो सिर्फ भौतिक चीजों पर, लेकिन आपके अंतःकरण को बदल नहीं सकते। और संत अंतःकरण को बदलता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए एक पूर्ण संत, पूर्ण सदगुरु आपको चेंज कर देगा। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं ना, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, वो कर ले आप समान, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। साहब भी कह रहे हैं करूं निज सम ओह में, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। अरे जब प्रेत आत्माएं आकर शरीर में प्रवेश लेती हैं तो गुरु का अस्तित्व आपके अंदर प्रवेश ले लेता है हमेशा, फिर उसकी ताकत आप में रहती है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। अगर आप अपनी वृत्तियों में भी देखेंगे आपको गुरु नजर आएगा, अपने नेचर में भी देखेंगे आपको नजर आएगा, और अपने व्यवहार में भी देखेंगे तो आप में नजर आएगा। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, गुरु समाना शिष्य में, वह समा गया। फिर इसकी पुष्टि कैसे कर रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाय। जब लोग इन तथ्यों को समझ नहीं पाते हैं तो इसका, इस पर चिंतन नहीं करते। ठीक वैसे ही एक बच्चा प्लस टू के बाद बोला आर्ट लेना है, मैं कहा साइंस मैथ क्यों नहीं, बोला गुरुजी झंझावट है वो, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। इस तरह आदमी की वृत्ति है सहजता की तरफ चलता है। मैं कहता हूँ आप कठिन रास्ते पर भी तो चल के देखो ना, थोड़ा टफ भी तो चल के देखो ना थोड़ा, तब बिना परिश्रम यश नहीं मिल पाता है। इस तरह ये ताकत एक पूर्ण गुरु देता है, जो कि जन्म जन्मांतर के कर्मों को नाश कर देती है वो ताकत। जब नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। इसलिए ये सुमरण की ताकत आपको बदल देगी। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आंग, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। ये सभी साखियां, ये सभी पद, इनमें गहनता है, ये साधारण नहीं है,
इसलिए एक पूर्ण गुरु आपके जन्म जन्मांतर के सभी कर्मों को नाश कर देता है, आपका अंतःकरण शुद्ध कर देता है। तभी कह रहे हैं गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन योग करे जो कोई, करोड़ों योग करे तभी भी हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, पुनः वो सब कर्म घूम घूम करके सामने आएंगे। तो बंधुओं, ये सुमरण साधारण चीज़ नहीं है, इसको आप करते रहना, हमेशा सुमरण करना। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साई मह समय। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब।